Hello, friends. Welcome to my YouTube channel Lake Online World. Let's continue with another video of GK10 series. Today's first question is. मैंसन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कितने टाइम की जरूरत रहती है तो क्लॉटिंग टाइम इज़ टू टू फाइव मिनट्स इन केस ऑफ सुपरफिशियल कट तो सुपरफिशियल कट के लिए टू टू फाइव मिनट्स रहेंगे फोर टू टेन मिनट्स इन केस ऑफ़ डीपर कट्स तो फोर टू टेन मिनट्स डीपर कट के लिए होंगे तो मतलब अगर हल्का कट लगाए तो टू टू फाइव मिनट्स में वो जो है क्लॉटिंग हो जाएगी उसके ऊपर अगर कोई गहरा कट लगाए तो उसके लिए फोर टू टेन मिनट्स लगेंगे क्लॉट होने में नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ब्लड के कंपोनेंट्स के जो है नाम बताने हैं जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उसमें आ जाता है ब्लड प्लाज्मा 55 परसेंट ब्लड कारपोरसल्स आ जाएंगे 45 परसेंट और ब्लड कारपोरसल्स में आर और डब्ल्यू आ जाते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं ये जो है कंपोनेंट्स हैं ब्लड के नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सीरम सीरम क्या होता है इट इज वाइट वाटरी फ्लूड तो ये वाइट कलर का वाटरी फ्लूड होता है दैट इज स्क्ड आउट ऑफ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग ब्लड क्लॉट्स तो ये स्क्विज मतलब बाहर निकलता है जो ब्लड क्लॉट होता है कॉन्ट्रैक्टिंग ब्लड क्लॉट रहता है तो उसमें से बाहर को निकलता है वाइट कलर का वाटरी फ्लूड होता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट मेक्स आरबीसी रेड इन कलर क्वेश्चन नंबर फोर आर का जो कलर होता है वो किसके कारण जो है रेड होता है या कौन उसको जो है रेड कलर का बनाता है तो हेमोग्लोबिन तो हेमोग्लोबिन पिगमेंट के द्वारा जो है आर का कलर रेड होता है हेमोग्लोबिन मेक्स दी आर रेड तो हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है वट इज़ दी साइज ऑफ़ ह्यूमन हर्ट ह्यूमन हर्ट का साइज कितना होता है तो इक्वल टू फिस्ट तो जो हमारी फिस्ट होती है जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो उसके जो फिस्ट का जो साइज़ है हमारी तो उसके बराबर रहता है ये मुट्ठी के बराबर हमारे अबाउट ट्वेल्व सेंटीमीटर इन लेंथ तो ट्वेल्व सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है और नाइन सेंटीमीटर इसकी ब्रेड रहती है तो मतलब बारह सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है सॉरी uh, लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रहती है तो इतना जो है हमारे ह्यूमन हर्ट का जो है साइज होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज लिम्फ लिम्फ क्या होता है इट इज लाइट येलो विस्कस फ्लूड तो ये कैसा होता है लाइट कल लाइट येलो कलर का जो है विस्कस फ्लूड होता है फॉर्न फ्रॉम टिश्यू फ्लूड और किसके द्वारा बनाया जाता है टिश्यू फ्लूड के द्वारा जो है बनाया जाता है ये बाई लिम्फ कैपलरीज फॉर पासज ऑफ पासज इन टू दैनस ब्लड तो ये लिम्फ कैपिलरीज की पासज के लिए बनाए जाते हैं जो कि बैनस ब्लड की बना होता है बाई लिंफ कैपेलरीज तो लिंफ कैपेलरीज के द्वारा बनाया जाता है फॉर दी पासेज ऑफ पास इन टू दैनस ब्लड ताकि वो बैनस ब्लड के अंदर पास कर सके तो ये था लिंफ के बारे में आज की वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर सेवन है फिर आगे वट इज दोर्स ऑफ ओ ओटू इन फोटो सिंथिस ओटू का सोर्स ओटू मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सोर्स कौन सा होता है फोटो सिंथिस के अंदर तो ओटू का सोर्स जो रहता है वाटर रहता है तो जो फोटो सिंथिसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज किया जाता है वाटर का भी यूज किया जाता है सनलाइट भी यूज की जाती है ठीक है तो मतलब इनमें जो कार्बन ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होती है वाटर में भी ऑक्सीजन होती है लेकिन जो ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के लिए यूज की जाएगी तो वो जो है वाटर से ली जाती है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से ली जाएगी तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द रेस्पिरेटरी गैसेस क्वेश्चन नंबर एट है रेस्पिरेटरी गैसेस के नाम बताने तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर दी रेस्परेटरी गैसेज तो दो गैसेज हैं ऑक्सीजन को हम अंदर इनहेल करते हैं अंदर हमारी बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन कार्नऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करते हैं छोड़ते हैं हम तो ऑक्सीजन एंड कार्बन कार्नोक्साइड आर दी रेस्पिरेटरी गैसेज क्वेश्चन नंबर नाइन है गिव आर वी सी काउंट ऑफ मैन मैन का आर वी सी काउंट कितना होता है तो आर वी सी काउंट अगर मैन का देखा जाए तो फाइव से लेके जो है फाइव पॉइंट फाइव मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड तो मतलब पर क्यूबिक मिलीमीटर में फाइव से लेके फाइव पॉइंट फाइव मिलियंस जो है आर जो है पाए जाते हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर फाइव से लेके फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर इन ब्लड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है गी फंक्शंस ऑफ द हेमोग्लोबिन ऑफ आर जो हेमोग्लोबिन होता है आर के अंदर उसका क्या फंक्शन होता है तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है इट हेल्प्स इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बनसाइड तो ऑक्सीजन और कार्बनसाइड दोनों की जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है यू लाइक अवर वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू